हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लारी प्रिंस बाय अर्चना और आज हमारी ऑनलाइन फैब्रिक पेंटिंग की सीरीज़ के अंदर मैं लास्ट अपना सेशन लेकर आई हूँ। जो आज मैंने मोटिव लिया है वो मैंने स्ट्रॉबेरी का मोटिव्स लिए हैं और जो मेरा कॉटन का कपड़ा है, कॉटन कैनवास का फैब्रिक है जो 350 GSM का है। ये बैग्स आपको बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे अमेज़ोन पर अगर आप टेलरिंग नहीं करवाना चाहते। मैंने भी ये अमेज़ोन से ही परचेस किए हैं, कुछ बैग्स का ऑर्डर था मेरे पास, उसके लिए मैंने वहीं से ही ऑर्डर किए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत ईजी है स्ट्रॉबेरी पेंट करना। हमने वाटर का बेस लगाया, देन उसके ऊपर रानी और रेड कलर को मिक्स कर आउटलाइन करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ हमने शेडिंग दी है। ऊपर की तरफ हम थोड़ा हल्का कलर रखेंगे क्योंकि वहाँ पर हमें ग्रीन और वाइट का शेड भी देना होगा। तो आप इस तरह से पूरा एक बार शेडिंग देने के बाद आप आउटलाइन उसको डिफाइनिंग करिए। आउटलाइन 0 नंबर के ब्रश से आप बना सकते हैं और साथ में मैंने कुछ बेरीज भी बनाई हैं जो मैंने पर्पल कलर का यूज़ करते हुए बनाई हैं। वही वाटर का बेस आप एक लेयर डालेंगे एक ब्रश से, फिर दूसरे ब्रश से आप उसकी आउटलाइन पर्पल से कर एंड देन थर्ड ब्रश को यूज़ करते हुए आप उसकी शेडिंग करेंगे। ईजी है और जो इसकी कैप बनाई है स्ट्रॉबेरी की वो सैप ग्रीन कलर में हल्का सा और मैंने ब्राउन कलर डाला है जिससे वो थोड़ा सा डार्क हो जाए और हम ऊपर की ब्रांचेस भी इसी तरह से बना लेंगे। जब पूरा हो जाए, थोड़ा सा सूख जाए, वाटर थोड़ा सा ड्राई हो जाए, देन उसके बाद हम लोग डिटेलिंग देंगे लास्ट में। डिटेलिंग हम ब्लैक और वाइट कलर से देंगे, बीच में डॉट्स बनाएंगे जो स्ट्रॉबेरीज पर आपको देखने को मिलते हैं और वाइट कलर से उसकी हाईलाइट बनाएंगे जिससे आपको लगे कि वो फ्रूट्स थोड़ा नेचुरल लुक देता है। तो आप वो आगे इस वीडियो के अंदर देखिएगा कि किस तरह से मैंने डिटेलिंग दी है। साथ में मैं आपको बुक लर्निंग्स की बहुत सारी बातें करती हूँ दोस्तों। तो अभी मैं बुक पढ़ने का मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मैरिज का सीज़न चल रहा है। ये वीडियो भी एक्चुअली थोड़ा पुराना है जब मैंने बैग्स बनाए थे, फ्रेश वीडियो अभी मैं नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि ऑर्डर्स ज़्यादा हैं मैरिज के सीज़न में, तो ना पढ़ने का टाइम है ना फ्रेश वीडियोस बनाने का टाइम है। पर फिर भी मैं वीडियोस डालती रहूँगी क्योंकि आपको सीखना ज़रूरी है, मुझे बताना ज़रूरी है कि मैं किस तरह से अपनी पेंटिंग्स को के साथ अपना बिजनेस एक चला रही हूँ, अपना एक करियर बना रही हूँ। आप लोग भी बना सकते हैं, आप लोग भी कस्टमाइज ऑर्डर ले सकते हैं बैग्स के, फ्रॉक्स के, कुर्ताज़ के, साड़ीज़ के, लहंगाज़ के। बस पेंटिंग आनी चाहिए और पेंटिंग सिखाने के लिए हम लोग सब मिलकर सीखेंगे, हम लोग सब मिलकर अपना काम करेंगे, मन से काम करेंगे तो मन से हम सीख भी पाएंगे। तो आप देखिए किस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम इस पे डिटेलिंग करेंगे। बुक लर्निंग की मैं बात पे वापस आती हूँ। मैंने एक बार एक चैप्टर पढ़ा था, वो पूरे बुक ही पैसों पर थी, मतलब कि मनी का हमारे लाइफ में कितनी अहमियत होती है, मनी का महत्व क्या होता है। वैसे तो वो पूरी बुक है पर उसमें एक फर्स्ट चैप्टर के अंदर से मैंने एक टेक अवे लिया था जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसमें बताया गया था कि पैसे का महत्व आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए। पैसा हमें इतना ही कमाना चाहिए जितना हमारे लिए आवश्यक हो, या तो हमारे लक्ष्य बहुत बड़े हों। हमें पैसा चाहिए लोगों की मदद करने के लिए, हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की, चाहे तो हमें यूनिवर्सिटी खोलनी है या फिर हमें पुअर गर्ल्स की मदद करनी है, अंडर प्रिविलेज लोगों को ऊपर उठाना है, उन्हें शिक्षा देनी है या फिर उन्हें नौकरी प्रोवाइड करवानी है, उन्हें इतना सक्षम बनाना है कि वो आराम से अपनी जीविका कमा सकें। तो इस तरह के जब बड़े बड़े लक्ष्य लेकर हम लोग पैसा कमाएंगे तो हमें पैसे को लेकर इतने सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, वो लक्ष्य ही हमारे इतने बड़े होंगे कि हम कितनी भी मेहनत करें वो मेहनत हमें मेहनत जैसी नहीं लगेगी और हम बहुत संतोष और शांति से अपना काम कर पाएंगे और पैसों के लिए पॉजिटिविटी हमारे अंदर आएगी। पैसा ख़त्म ना हो जाए, पैसा हम इतना पैसा अपनी खुद की पर्सनल यूज़ के लिए जब आप कमाते हैं तो कई बार वो कम ही पड़ता है, हमें पता ही नहीं होता कि लग्जरी के लिए हम पैसा कमा रहे हैं या नीड के लिए हम पैसा कमा रहे हैं, तो वो हमेशा ही हमें कम पड़ता है। पर अगर जीवन का लक्ष्य बहुत बड़े बड़े होते हैं दोस्तों तो पैसा आता भी है और पैसे पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना होता, वो अपने आप ही एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है और पैसा हमारी लाइफ में आता रहता है। तो वो टेक अवे मुझे बहुत प्यारा लगा। आप भी देखिए दोस्तों लगाकर, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कई बार अगर हम लाइफ में लगाना शुरू कर दें
तो वो हमें बहुत हेल्प करती हैं, वो हमारी जीवन को एक नया ही आयाम देती हैं, और मुझे बहुत हेल्प करता है दोस्तों जब मैं इस तरह से सोचना शुरू कर देती हूँ और इस तरह से बुक्स पढ़कर जो टेक अवेज लेती हूँ लगाती हूँ अपनी लाइफ में, और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी बोलती हूँ कि आप एक बार लगा कर तो देखिए इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में, आपको कितना फ़ायदा होगा। तो दोस्तों हम इसी तरह की बातें करते रहेंगे इन वीडियोज़ के अंदर। आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको ये वीडियोज़ कैसे लगते हैं, और जो पेंटिंग करते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप, मैं पेंटिंग के पास दोबारा आती हूँ, आप देखिए वाइट की मैं कैसे आउटलाइन कर रही हूँ, इसको कैसे डिफाइन हम एक लुक दे रहे हैं वाइट की शेडिंग से। और जामुन जो बेरीज हमने बनाई हैं जो जामुन जैसी लग रही हैं, तो उसके ऊपर भी हमने वाइट का एक हल्का सा पिंच हमने लाइंस बनाई हैं जिससे उसको एक अलग ही हाईलाइट मिल रही है। तो आप इस तरह से बनाइए और मेरे साथ पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरी पेंटिंग जो मैं सिखा रही हूँ उससे सीखकर अगर आपने कुछ बनाया है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा आपकी पेंटिंग्स, मैं उसमें और आपकी हेल्प करूँगी आप कैसे उसे और बेहतर बना सकते हैं। मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट करिए, जो भी आप कुछ लाइफ में भी सीखना चाहते हैं, मैं उस बुक को अगर मैंने पढ़ रखा होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और नहीं भी पढ़ रखा होगा तो मैं पढ़कर हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो आप देख पा रहे हैं कितने प्यारे ब्यूटीफुल लग रहे हैं इस तरह के बैग, आप भी बनाइए और अर्निंग कीजिए। हम नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।